गोविंदा और कृष्ण में झगड़ा आखिर हुआ क्यों था? कुछ दिन पहले जब गोविंदा अपनी भांजी आरती की शादी में शरीक हुए तो सबको लगा कि दोनों परिवारों के बीच झगड़ा खत्म हो गया है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि बाकी परिवार से तो गोविंदा को कोई मसला नहीं रह गया है, लेकिन कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा से गोविंदा के रिश्ते अभी भी तल्ख हैं। तो चलिए जानते हैं कि कब और किस बात को लेकर गोविंदा और कृष्णा के रिश्ते खराब हुए। कृष्णा एक कॉमेडी शो का हिस्सा थे। वो चाहते थे कि उनके मामा गोविंदा उनके शो में बतौर गेस्ट आए। उन्होंने गोविंदा को इनवाइट भी किया, लेकिन गोविंदा उस वक्त कृष्णा के शो में नहीं जा सके। हालांकि उसी दौरान वो कपिल शर्मा के शो में जरूर पहुंच गए। ये बात कृष्णा को जरा भी अच्छी नहीं लगी। वो अपने मामा गोविंदा से नाराज हो गए। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ लोग पैसों के लिए दूसरी जगह डांस करने चले जाते हैं। कश्मीरा शाह की यह बात न सिर्फ गोविंदा बल्कि उनकी पत्नी सुनीता को भी बहुत बुरी लगी। फिर एक दिन गोविंदा मनीष पॉल के शो में पहुंचे। मनीष पॉल को इंटरव्यू देते हुए गोविंदा ने खुलासा किया, जब कृष्णा के बच्चे पैदा हुए तो मैं अपनी पत्नी संग बच्चों को देखने हॉस्पिटल पहुंचा था, लेकिन हमें बच्चों से नहीं मिलने दिया गया, हमें उनके पास तक नहीं जाने दिया गया। मैंने अपनी पत्नी सुनीता से कहा कि शायद इन्फेक्शन का डर होगा, इसीलिए बच्चों के करीब नहीं जाने दे रहे हैं। उस इंटरव्यू में आगे बात करते हुए गोविंदा ने बताया कि एक दफा अपने शो में कृष्णा ने कहा था कि मुझे दुश्मन की क्या जरूरत है, मेरे तो घर में ही मेरे मामा दुश्मन हैं। गोविंदा के मुताबिक उनके मन में कृष्णा को लेकर कोई गलत धारणा नहीं थी। कृष्णा ने खुद ही अपने मन में जाने क्या क्या सोच लिया था।